नमस्कार, बीबीसी हिंदी के फेसबुक पन्ने पर आपका स्वागत है। मैं हूं जुबैर अहमद। पिछले कुछ सालों से चर्चा में रहे हैं एक शख्सियत काफ़ी अपने विवादित बयानों के लिए, और उनका जो विचार है इस्लाम के बारे में, इंडियन मुसलमानों के बारे में, वो विवादों से घिरा रहा है। और इस समय वो शख्सियत यहाँ मौजूद है, तारिक फतेह साहब। तारिक साहब, आपका स्वागत है प्रोग्राम में। थैंक यू, धन्यवाद। ये बताइए कि आपका नज़रिया इस्लाम के बारे में और मुसलमानों के बारे में क्या है, क्योंकि तरह तरह के बयान आपसे जुड़े हुए होते हैं, आप क्या सोचते हैं? देखिए, इस्लाम का बुनियादी मकसद तौहीद है, यानी शरिया, कुरान, हदीस। सबसे पहले जो प्रॉफिट मोहम्मद के साथ जो उनके सबसे पहले मुसलमान कंपेनियंस थे, वो तो तौहीद के बेसिस पे आए ना। इसका मतलब है कि एक इंसान सिवाय ऊपर वाले के, अल्लाह के, और किसी के सामने सर नहीं झुकाए। वो एसेंस है इस्लाम का। उसका एक्सटेंड करेंगे तो एक मॉरल कंपस है कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी खुशी से किस तरह दूसरों के साथ गुजार सकता है। अब प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद जो फसादात शुरू हैं इस्लाम में, वो आज तक चल रहे हैं। उनकी तो 18 घंटे तक बॉडी उनके घर में पड़ी रही, उनको दफनाया नहीं गया। ये मुसलमान असल में इन चीज़ों को या तो जानते नहीं हैं, इसके बारे में सोचना नहीं चाहते कि हमारी आज की मुसीबतें उस दिन से शुरू हुई जब ये तय हो गया कि कुरैशी जो हैं वो खलीफा बन सकते हैं और अंसार जो हैं वो सिर्फ कुरैश की खिदमत कर सकते हैं। मतलब जब से प्रॉफिट मोहम्मद का डेथ हुआ, वारिस कौन होगा? या वारिस, देखिए, एक दो चीज़ें कन्फ्यूज़ हो जाती हैं, शिया सुन्नी, ये मसला नहीं था। अंसार जो मेजॉरिटी थे मुसलमानों के, उन्होंने अपना लीडर चुना कि अब तो प्रॉफिट की डेथ हो गई है। जो माइनॉरिटी ग्रुप था, जो मक्का के लोग थे, जो मदीना में रहते थे, उन्होंने ये शोर मचाया कि नहीं, जो कुरैश नहीं है वो खलीफा हो ही नहीं सकता। ये तो ये अली या अबू बकर का झगड़ा नहीं था। ये एसेंस इस्लाम में ये है कि ऊपर कौन है, नीचे कौन है, वो इस्लाम का मैसेज कि सब बराबर हैं, वो उसी दिन ख़त्म हो गया जब ये तय हुआ कि अरब होना अफजल है और ईरानी होना कम है। सलमान फारसी और बिलाल का ओहदा फौरन उसी दिन गिर गया, और तमाम वो लोग जो मक्का में थे, यानी कि अबू सुफियान की औलादें, जो और उसके बावजूद इस्लाम काफ़ी फैला उसके बाद से। नहीं, इस्लाम से ज़्यादा अरब फैले, क्योंकि 100 साल तक तो मिस्र में किसी को मुसलमान होने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि जजिया मिलता था। तो वो फिर खलीफा अब्दुल अजीज़ ने कहा कि अल्लाह ताला ने कोई अकाउंटिंग की दुकान नहीं खोली हुई है, तो जब इजाज़त दी मिस्रियों को मुसलमान बनने की, तो उमय्यद खिलाफत बैठ गई, क्योंकि इनकम ख़त्म हो गई, कोलैप्स हो गया। अब ये चीज़ें सारी लिखी हुई हैं, लेकिन अगर मुसलमानों से खुल के बात करें तो एक तो उनको पता नहीं होता, माफ़ कीजिएगा, जब भी आप जो हिंदुस्तान में इस्लाम है वो उर्दू में ट्रांसलेट हुआ हुआ, जहाँ औरत के सीने को शर्मगाह बताया गया तो कुरान भी नहीं ट्रांसलेट हो पाता ठीक तरह। तो अब ये चीज़ों को खुल के जो बात करनी है, जिसमें हम कहते हैं कि ट्रूथ इज़ द एसेंस ऑफ द कुरान, उसमें एक बड़ा डिफाइनिंग वर्स है जिसमें कहा कि उस सच बोलो, उसमें आपका पर्सनल नुकसान हो तब भी। वो हमने किनारा कशी कर दी, और कुछ हिंदुस्तान में वो गंगा जमुना तहजीब की बात आ गई कि भाई घुमा घुमा के बातें करो, जो सवाल करें उसका शेर में जवाब दे दो, ताकि ना किसी को पता चले आपने कहा क्या, और मीर तकी मीर पे इल्ज़ाम लग जाए कि उन्होंने कहा था, या गालिब ने, या फिराक ने, जिसने भी कहा। वो दोगलापन हमारी आइडेंटिटी बन गई। दुनिया में लोग हमें ट्रस्ट अब नहीं करते मुसलमानों को, अरे यार मुसलमान ही तो गड़बड़ इनमें करेगा, क्यों होगा, क्योंकि हम करते हैं गड़बड़। तो क्या यही वजह है कि जब आप इस तरह की बातें करते हैं तो भारत के मुसलमानों को प्रॉब्लम होती है आपसे? भारत के मुसलमानों के नहीं, भारत के मुसलमानों के मौलवियों को होती है, और नौजवान वो जो मुस्लिम ब्रदरहुड और जमात इस्लामी हिंदुस्तान के हैं, सैयद मौदूदी उन्हीं की जमात इस्लामी है, उन्होंने किताब लिखी है ना इस्लाम और जिहाद, जिसमें कहा है कि जिहाद का मतलब है काफिर का खात्मा करना। मैंने तो नहीं लिखी, तो मौदूदी साहब पे किसी को एतराज़ नहीं, मुझ पे है। मैंने तो नहीं गज़वा हिंद लिख डाली, जिस पे हर मुसलमान को पता है कि क्या है, और हर नॉन मुस्लिम को नहीं पता। तो
तो आपने एक बात कही कि मुसलमानों को आम तौर से और खास तौर से हिंदुस्तानी मुसलमानों को इस्लाम के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है, जानकारी नहीं है। 90% मुसलमान 20th century तक अनपढ़ था, इलिटरेट था। जब तक वो पढ़ लिख नहीं सकता था वो इंसान था। पढ़ लिखने के बाद अब उसमें घुमंड आ गया और विक्टिमहुड का सेंस आ गया, इसीलिए वो वोट बैंक की सियासत करता है, यानी खुद कह रहा है कि हमें बैकवर्ड माना जाए। तो क्या और मसाले हैं हिंदुस्तानी मुसलमानों के? आपने कहा है कि ये एक कमी है तालीम। देखिए, आपने वो सरजमीन जिस पे रसूलुल्लाह की औलादों को पनाह मिली, बजाय इसके उसको रिस्पेक्ट देते और वहाँ के नाम अपने नाम से जोड़ते, आपने उन पर अपने नाम जोड़ने लग गए। पूरे यूपी में हर शहर का नाम किसके नाम से, मुजफ्फराबाद, मुजफ्फरगढ़। आपने तो किस शहर का नाम इलाहाबाद रखा है सर? मक्का का नाम रामगढ़ हो सकता क्या? तो आप तो घुमंड से कह रहे हैं ना, हिंदुओं के सबसे होलीस्ट सिटी पे हमने इलाहाबाद अल्लाह का नाम डाल दिया। तब भी लोग कहते हैं अच्छा ठीक है यार, इनको जो करना कर लेने दो, साथ चलना। हमें इनकी सारी ख़त्म हो गई। हमने कभी, आप मुझे बताइए कितने मुसलमानों ने जाके कोचिन में ज़ियारत की है इस्लाम की पहली मस्जिद की? क्यों? कि वो मस्जिद एक हिंदू राजा ने बनवाई। हम जाते हैं वो मस्जिद, मैं अभी हाल में गया था, वो पहली मस्जिद नहीं, पहली दूसरी या तीसरी मस्जिद? नहीं नहीं सर, पहली 629 में दूसरी। नाम शहरों के नाम के बारे में कहा? नहीं नहीं, मैं एक साथ बहुत आगे 629 के अंदर तो रसूलुल्लाह जिंदा थे और मक्का में इस्लाम नहीं आया था, तो दूसरी कैसे हो गई मस्जिद? वो डिस्प्यूटेड है, वहाँ पे खुद मुकामी लोग कहते हैं। हम ही ना मुकामी नहीं कहते, नॉर्दर्न इंडिया का मुसलमान डिस्प्यूट करता है, क्योंकि जनूब के लोगों के रंग जरा काले हैं और उर्दू ठीक नहीं बोलते। तो हमने डेफिनेशन ये बनाया मुसलमान कौन होता है। आपके प्रेसिडेंट तमिलनाडु से मुसलमान नहीं कहलाते। आपका इस इंडिया में इस्लामिक लीडर कौन मनाया जाता है? अबुल कलाम आज़ाद। क्या निफासत के साहब उर्दू बोलते थे? यानी क्योंकि आपके साउथ के और बंगाल के मुसलमान उर्दू नहीं बोलते हैं तो आप उनको बांधते। तो पाकिस्तान उर्दू वालों का आप कह रहे हैं कि एरोगेंस है? जी नहीं नहीं नहीं, ये अशरफी मुसलमानों का एरोगेंस है। देखिए, हर वो शख्स जिसने नाम के आगे सैयद लगा दिया और नदवी और नकवी और सिद्दीकी और रिजवी, वो क्या कह रहा? तुम लोग घटिया हो, हमने तुम पे कब्जा किया है, हमारे जूते पॉलिश करो, तुम्हारी औकात समझो। ये लफ्ज औकात सिर्फ हिंदुस्तान में यूज होता है और हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए होता है, ऐसा क्या? नहीं नहीं, मेरे जैसे मुसलमानों के लिए भी होता है जिनके परदादा हिंदू थे। वो ये इस बात का घमंड करते हैं कि हम अशरफ हैं, हम आला हैं और हिंदू जो है हम ना। वो घटिया मुसलमान जिसका रंग काला है और जो गलती से मुसलमान हो गया, उसको क्या पता है इस्लाम क्या? इस्लाम तो आया था तैमूर के घोड़े पे, 50,000 हिंदू तो यूं मरवा दिए हमने दिल्ली में। बच्चों के नाम रख रहे ना आप तैमूर? किसी हकीम ने कहा था टैगोर अली खान हो जाता नाम तो क्या बात बनती? आपने तो तैमूर अली खान ही कहा ना। और नाम से याद आया, मैं आपसे ये बताना चाहूँगा, जब औरंगजेब रोड का नाम बदला गया दिल्ली में तो लोगों ने कहा कि आप की सलाह थी। मैंने तो सीधा कहा था कि काला अगर नहीं चेंज करेंगे मैं काला पेंट लूंगा और जहाँ जहाँ इस कातिल का नाम होगा मैं उस पर काला पेंट डाल दूँ। तारिक साहब, अभी 2 हफ्ते पहले दिल्ली में एक और डलहौजी, उसमें तो उनके भाई का नाम है, तो भाई भाई वो भी तो आक्रमणकारी थे। क्या मतलब थे? वो भी तो हमलावर थे। दारा शी को हमलावर दारा शी सर सर मेरी भाईया उनके भाई थे औरंगजेब। अरे उसी का तो गला काटा था उस कातिल ने और प्लेट पे ले आया था। और जिस कातिल ने अपने बड़े भाई का गर्दन काट के अपने बाप के सामने रखा और ठुड्डा मार के फेंक दिया, जिसने शियों के इमामों की जबानें खींच के निकाली, जिसने सिखों के गुरुओं को दीवारों में बंद किया और जिसने सैयदना दाऊदी बोरा मुसलमानों की इतना पेट में खाना डाला कि वो खा के मर गया, उसको यूपी के मुसलमान कहते हैं हमारा बहुत बड़ा लीडर है। तो टोपी सी के कमाता था। अरे औरंगजेब से कोई औरंगजेब से प्रॉब्लम है, दारा शिको से नहीं? आपको क्यों होगा? उसने तो उपनिषद ट्रांसलेट की, वो तो हमारा पंजाबी था, लेकिन लाहौर का था, पंजाबी बोलता था। उस आप देखें हिंदुस्तान के मुसलमानों को इतराज ये है कि पंजाबी और ये पश्तो क्यों बोलते हैं मुसलमान? ये कैसे मुसलमान हैं जो उर्दू नहीं बोलते? यही है ना, तभी आपने बादशाह खान को कह दिया ना जाओ गीदड़ों की तरफ। आपको कुर्ते पजामे वाला, चूड़ीदार पजामे वाला, अचकन पहनने वाला मुसलमान मुसलमान लगता है, और जो बादशाह खान थे उसका था अच्छा तुम्हारी खान मार्केट बना देते हैं, तुम दफा हो जाओ यहाँ से। दैट्स व्हाट यू डिड। आपने बलूचिस्तान के बलोचों ने कहा हम हिंदुस्तान में मिलना चाहते हैं,
मौलाना आजाद ने क्या कह दिया, कहां दूर, एंडमैन आइलैंड दूर नहीं था उनके लिए, पोर्ट ब्लेयर दूर नहीं था, राजस्थान से 200 मील दूर बलूचिस्तान की बाउंड्री को उन्होंने कह दिया नहीं यार जाओ तुम लोग, पता नहीं कैसे पहाड़ी लोग, हमारे मुहज्जब मुसलमान हमें चाहिए जो अच्छे अच्छे उर्दू में बातें शायरी करते हैं। ये तो पुरानी बात होगी, पुरानी कल की बात है, पुरानी कहाँ से, उर्दू दा अब तो ऐसे भी हिंदुस्तान में कम रहे हैं, पाकिस्तान में भी पंजाब का ही राज पंजाबियों का है। लेकिन मैं आपसे चूंकि पंजाबी उर्दू बह नहीं हुई ना फेसबुक पाकिस्तान में, लाइव है तारिक साहब जी, बहुत सारे श्रोता मेरे ख्याल से इस वक्त आपसे सवाल कर रहे होंगे और भरत जो हमारे साथी है उस पे नजर रखे हुए, तो भरत बताएं कुछ लोग जो जिस तरह सवाल कर रहे हैं। तारिक साहब जसवेंद्र आपसे पूछना चाहते हैं कि आप रोटी कमाने और लोकप्रियता के चक्कर में रहते हैं और ऐसे लोग किसी के नहीं जो भारत और पाक के बीच में फूट डाल रहे हैं। हाँ हाँ पाकिस्तान तो बनवा दिया है, चीप पब्लिसिटी, हाँ हाँ चीप नहीं जरा महंगी है क्योंकि पैसा मुझे बहुत मिलता है। उनको बताएं कि 35 करोड़ मैंने लास्ट गिना था, घर जाके जब मैंने गिना तो वो 36 करोड़ निकली, तो 1 करोड़ फालतू है, उनको बोले अगर जरूरत है मैं दे देता हूँ, खैरात वैरात में भी बांटता हूँ, ज़कात भी मैं बांटता हूँ, लेकिन हूँ अशरफी नहीं, तो शायद वो डिब्बे अलग होते हैं, जो अशरफी मुसलमान है वो मेरे जैसे घटिया मुसलमानों से खैरात नहीं ले सकते, ये शायद आपको पता ना हो शरिया में है। तारिक साहब आप पिछले कुछ सालों से चर्चा में रहे, जैसा कि मैंने शुरू में कहा 2013 में 1963 से हूँ मैं चर्चे में, आवाज नहीं आई थी हिंदुस्तान में 2013 से आपके बारे में लोगों ने जानना शुरू किया और औरंगजेब का जब इसमें मेरा कसूर नहीं कि आप तक खबर नहीं, उस वक्त कहा थे उससे पहले कहा आपने खबर नहीं सुनी तो इसमें मेरा कसूर तो नहीं है, मैं हिंदुस्तानियों ने नहीं सुनी ना सुने तो मेरा कसूर है, अपना कान ठीक कराए, मैं तो जेल में बैठा हुआ था। कहते हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आई है तब से आप यहाँ पर आकर मुसलमानों के खिलाफ बयान दे रहे हैं ताकि आप जो है भारतीय जनता पार्टी के ही थे फॉरेन मिनिस्टर सलमान खुर्शीद है ना, और भारतीय जनता पार्टी के ही थे शशि थरूर जिन्होंने इन्वाइट किया था मुझे यहाँ। अच्छा ये शायद पार्टियों में पता नहीं बदल तो नहीं ली इन लोगों ने, आजकल पिटाई बड़ी हो रही कांग्रेस की तो कुछ पता नहीं, वो बीजेपी में चले गए हो, लेकिन आप लोगों की तंग नजरी का कसूर मैं नहीं हूं, आपको तो आज तक ये नहीं पता यमन में क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता आपको, आप बताइए बीबीसी हिंदू पे तो क्या हो रहा है यमन में, हम तो रोज खबर सर नहीं है भैया आपकी खबर यमन की, आपने कहा जब तक 200 नर्सें निकल गई अब जान छुड़ाओ, अपना क्या करना, आपको ना बलूचिस्तान का पता है ना आपको पता कि आपने अपने जो पाकिस्तान में लोग अरेस्ट हुए उनकी खबर नहीं है आपके पास, तो ये मेरा कसूर नहीं है कि पूरा इंडिया इंट्रोवर्ट बन गया, उनको दोस्त दुश्मन की कदर नहीं है, जो उनका दुश्मन है पाकिस्तान उसकी वो आगे पीछे भागते हैं क्योंकि वहाँ को लोगों का रंग गोरा है, जो आपका दोस्त है बांग्लादेश वहाँ विजिट नहीं करता, आपने यहाँ जितने भी हैं एक भी नहीं किया होगा टूरिज्म पे बंगाल टाइगर देखने, नहीं बहुत सारे लोग जाते रहे हैं, लेकिन आपको कुछ और साथियों से जोड़ते हैं, जरूर भी सवाल है राजेश जोशी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तारिक साहब मैं अपने जो कुछ श्रोता यहाँ देख रहे हैं सुन रहे हैं उनकी तरफ से एक सवाल प्लीज, हालांकि उन्होंने मुझे इसका अख्तियार नहीं दिया है, नहीं, वो अख्तियार मैंने उनसे ले लिया है, सवाल ये है मेरा आपसे कि हमारे एक पॉलिटिशियन है हिंदुस्तान में जिनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी, जरा ये फोन बंद कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी जी। जी जी सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं जी उनके बारे में कहा जाता है कि वो अपना वो निशाना तय करते हैं और फिर हमला बोलते हैं और सेलेक्ट करके निशाना तय करते हैं, वही बात आपके बारे में भी कही जाती है कि आप सॉफ्ट टारगेट तलाशते हैं और फिर उस पर हमला हमला करते हैं कि अगर आप हिंदुस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ बोलेंगे तो आपकी बड़ी वाहवाही होगी, अगर आप हिंदुस्तान मेरी वाह वाह हो रही है जी जी जी, अगर आप अगर आप हिंदुस्तान में इस्लाम पर तनकीद करेंगे मुसलमानों पर तनकीद करेंगे तो लोग बड़े खुश होंगे, आप क्या वाकई निशाना साध के गोली दागते हैं? बिल्कुल इसमें क्या इतराज है आपको? अरे जो चोर है उसको तो निशाने में मैं लूंगा ना, आपकी डेफिनेशन से जो चोर होगा वही चोर होगा क्या? आप ना आप अपना चोर मुतय्यन करें, मैं अपना करूंगा, आप लेकिन जिसने दारा शिकोह की गर्दन काटी वो चोर, वो तो इतिहास की बात है, इतिहास आज है, इसी वक्त आज है, 1000 साल से इतिहास हो रहा है। तारिक साहब आज इसी वक्त की बात कर लेते, इसी वक्त आप देखें, आप कहते हैं अपने आप को 5000 साल पुरानी जो हिंदुस्तानी तहजीब है उसका आप हिस्सा मानते हैं अपने आप को, आप नहीं मानते, मैं वो तो मेरे इंटरव्यू नहीं हो रहा है, आपका इंटरव्यू, मैं सवाल पूछूंगा, मैं सवाल पूछूंगा, कन्वर्सेशन अब, हाँ कन्वर्सेशन अब, सवाल ये है जो गड़बड़ियां आपको पाकिस्तान में दिखती हैं, हाँ? इस्लाम में दिखती हैं, मुसलमानों में दिखती हैं, हाँ? वो गड़बड़ियां आपको दीगर जो मजहब हैं, हाँ? उनमें दिखती है, हाँ, हाँ, दिखती फिर एक के बाद हम बात कर ले, हाँ कर ले, उस पे बात कर ले, डॉक्टर तुगाड़िया की बात कर सकते हैं,
क्या बताएंगे उनके बारे में आप? विश्व हिंदू परिषद के विश्व हिंदू परिषद के प्रवीण तोगड़िया के बारे में मुझे बड़ा डर लगता है। क्या तासुरात क्या? मेरे तासुरात ये हैं कि जिन लोगों पे उनका वो ऑपरेशन करते हैं मुझे उनसे डर लगता है कि उनका हशर क्या हो सकता, क्योंकि वो खासतौर पर बड़ा तासुब पसंद आदमी। लेकिन तोगड़िया साहब जो है वो 9/11 की टावर्स पे अटैक नहीं किया उन्होंने आज तक। अगर उन्होंने किया होता तो मैं उनकी ऐसी तैसी करता। उन्होंने बाली में बमिंग नहीं की, तोगड़िया साहब ने मुंबई पे हमला नहीं किया। वो हिंदुस्तानी मुसलमान तो नहीं थे? नहीं, मुसलमान की बात कौन से हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं थे? 9/11 की बात कर रहे हैं। खालिद शेख मोहम्मद कौन था? आपने हिंदुस्तानी मैं एक चीज बता दूं, जो शख्स मुझे हिंदुस्तानी नहीं मानता उसको हिंदुस्तान को पता नहीं। आपको पता है खालिद शेख मोहम्मद कहाँ की पैदाइश है? अगर नहीं पता है तो मैं बता दूंगा पैदाइश तो वैसे आपकी भी पाकिस्तान के, लेकिन आप नायपॉल हिंदुस्तानी है नहीं है? आप कह रहे हैं नायपॉल नहीं है? अडवाणी साहब हिंदुस्तानी हैं? बिल्कुल है। क्यों हैं और मैं क्यों नहीं हूं? और अगर अडवाणी साहब हिंदुस्तानी हैं तो खालिद शेख मोहम्मद क्यों नहीं हिंदुस्तानी है? इस पे आएंगे अभी, इसके आएंगे, लेकिन पहले आपका वो जवाब पूरा हो जाए। आपने एक वाहिद फर्द यानी एक शख्सियत का नाम लिया प्रवीण तोगड़िया। आप प्रवीण तोगड़िया इंसान का नाम क्यों ले रहे हैं? वो तो अपना वीएचपी हाँ, मैं कह रहा हूँ। जब आप वीएचपी की बात करते हैं तो आप आरएसएस की भी बात करेंगे? बिल्कुल। तो आरएसएस के बारे में क्या तासुरात हैं आपके? आरएसएस इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो हिंदू हिंदुत्व को लेकर चलती है, और आरएसएस की वर्स्ट फॉर्म जो है वो कुछ भी कर लें उसमें यमन में कुछ नहीं हो सकता। यमन छोड़ अच्छा ना ना आरएसएस ना मेरा जवाब आप नहीं तय कर सकते। मैं सवाल पूछ मेरा जवाब तो आप सुनेंगे जवाब? मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, मेरा जवाब आप नहीं देंगे। आप जवाब कंप्लीट कीजिए, मेरा सवाल तो आपने रोका ना मेरा जवाब। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आरएसएस की जब आप बात करते हैं तो आप उसको यमन से जोड़ रहे हैं। नहीं, हिंदुस्तान नहीं हो सकता। नहीं, मैं आपसे बता रहा हूँ कि अपना हिंदुस्तान का जो वो है इंटेलेक्चुअल वो बंधा हुआ है। उसने पिछले 1000 साल में दरियाए सिंध के उस पार देखा भी नहीं है। जो एक शख्स गया था रंजीत सिंह ठीक ठाक करके काबुल में दुरुस्त करके आया, उसका तो आपने कुछ स्क्वायर तक नहीं बनाया है। आप लोग अंदरूनी इंट्रोवर्ट्स हैं, इसीलिए आपको दुनिया नहीं। जो मुसलमान है, इस्लामिस्ट है, जिहादी है, वो तो हिंदुस्तान को एक बाय पार्टिकल समझता है। ये अगर लोकसभा के अंदर ये होता होगा तो नहीं है, लेकिन हमारे कैनेडा में होगा। ना ना, कैनेडा में हाउस ऑफ कॉमन्स में नहीं होता है, बीबीसी पे भी ये नहीं होता। अच्छा, कंप्लीट बताइए। हाँ, अगर आपको नहीं पता है कि दुनिया दरियाए सिंध के उस पार है तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। और जो पूरी वर्ल्ड वाइड इस्लामिक मूवमेंट है वो आपके यहाँ नहीं चल रही, आपने ठेका नहीं लिया हुआ उसका, वो ठीक। और बात है कि इस वक्त आईसिस का जो नेम है दुनिया में वो एक हिंदुस्तानी, आपको नहीं पता उसका नाम, और बात है कलकत्ता में रहता है। आपके यहाँ एक मौलवी टीवी पे आके कह सकता है कि फलाने फलाने की गर्दन काट दो, आप लोग क्यों करके चले जाते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? यही मैं जो मेरा सवाल था आपसे कि आप अपना सॉफ्ट टारगेट तलाशते हैं और उस पर अटैक करते हैं, कर गोली मारते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे एग्जांपल्स, आपको जो दूसरे एग्जांपल्स है जो रोजाना दिन रात इस हिंदुस्तान में हो रहे हैं, हाँ, उस पर आपकी नजर क्यों नहीं जाती है? मसलन पठानकोट पे किसने हमला किया? मसलन वो नहीं, पठानकोट पे अभी मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ सर। सवाल मसलन बताइए, मसलन है कि जब गोमांस के खाने पर पूरा विवाद हिंदुस्तान में होता है, उसके कुछ लोग पक्षधर हैं, उसके कुछ लोग मुखालफत करते हैं, उस पर आप कुछ नहीं कहते हैं। अब जब उसी के बाद उसी मुद्दे पे एक आदमी की लिंचिंग हो जाती है, उसको मार दिया जाता है, मैंने तो कंडेम किया, आपने नहीं पढ़ा मेरा कसूर? नहीं, मैंने कहा कंडेम अलग होता है, कंडेम करना अलग होता है, लेकिन आपका नहीं, मेन थ्रस्ट मेन थ्रस्ट आपका जो है आपके टारगेट्स हैं। बिल्कुल है, इसमें टारगेट्स आपके नहीं होंगे, मेरे हैं। सब बराबर नहीं, सब बराबर नहीं है, सब बराबर नहीं है। टाइम मैं बताया, देखिए ना, मैं जवाब देने दूँ। तमिल टाइगर एक्सट्रीम पे चले जाएं, उसका एक्सट्रीम नतीजा क्या होगा? तमिल इलाम एक अलग सूबा बनेगा, सारे खालिस्तानी बब्बर खलसा, सारे पूरा पंजाब का सिख सबके सब बब्बर खलसा में घुस जाते हैं, उसका क्या नतीजा निकलेगा? अरे सुने तो कुछ, क्या फर्क पड़ेगा आपका? ज्यादा से ज्यादा पंजाब हिंदुस्तान से अलग होगा और पाकिस्तान का एक सैटेलाइट स्टेट बनेगा। जिस तरह जो भुट्टो साहब ने कहा था कि हम बांग्लादेश बनाएंगे अपने बॉर्डर पे, उसका नाम होगा खालिस्तान, वो तो नहीं हो सका। वर्स्ट केस सिनारियो और बेस्ट केस सिनारियो होता है कंपैरिजन में। आपके सामने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दो फिनोमेना थे,
स्टालिन का कम्युनिज्म और हिटलर का नाथसिज्म, रूजवेल्ट, चैंग काईशेक, माओ ज़ेडुंग, हो ची मिन, विंसेंट चर्चिल जॉइंड विद स्टालिन टू डिस्ट्रॉय हिटलर। वो और बात है कि नेताजी गए हिटलर के साथ, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। हु लॉस्ट एंड हु वन इन अ कंपैरेटिव सेंस, कि व्हाट इज अ बिगर ईविल। अगर आप दुनिया में इस वक्त बिगर ईविल नहीं समझ सकते तो ये आपकी कोताही है। नहीं साहब, आप ये कह रहे हैं कि जब आप अपने तमिल टाइगर की बात कर रहे हैं, आरएसएस की बात कर रहे हैं, कि कितना ही बढ़ जाए यमन नहीं पहुंचेंगे, तो आप कहीं ना कहीं कंपैरिजन ड्रॉ कर रहे हैं। मैं तो कर रहा हूं। इस्लामिक टेररिस्ट कर रहा है। सेंटेंस कीजिए। एब्सोल्युटली। अगर इस्लामिक टेररिस्ट, आप ये कह रहे हैं कि इस्लाम जो है वो पूरी तरह से पूरी दुनिया में एक थ्रेड है, एक तरह का उनका टेररिज्म है। एक गज़वा हिंद क्या है ये जब आप बताएं, आपने पढ़ा गज़वा हिंद? अगर ऐसा होता है, नहीं गज़वा हिंद पढ़ा आपने? इंटरव्यू मेरा नहीं पढ़ा आपने? मैं नहीं, मैं ना, आप नहीं, 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 ऐसा मत करें। सवाल ये है सर, मैं आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा? सवाल ये है, वो सवाल नहीं है अभी। क्यों नहीं है? आपको तकलीफ हो रही है? आप जवाब नहीं चाहते तो मुझसे क्या? सवाल ये है, आप क्या पैरेलल ड्रॉ? मैं आपको बता रहा हूँ, आप पैरेलल क्या ड्रॉ? मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। नहीं, मेरे सवाल तो होने दीजिए कि क्या मुसलमान जो आपस में मार रहे हैं एक दूसरे को, नहीं आपस में नहीं मार, जो पूरे अरब कंट्रीज में और अफगानिस्तान में एक दूसरे और हिंदुस्तान में तो आप उसको एक एक मोनोलिथ के तौर पे कैसे कर सकते हैं? मेरा सवाल, आप तय करेंगे एज अ नॉन मुस्लिम कि मैं क्या सोचूं? नहीं, आप मुसलमान है, सिर्फ मुसलमान तय करेगा। और आप तो मुझे कोई बोले ही नहीं दे रहे, बात करें फिर। मैंने आपसे कहा ना, ये बताए मोनोलिथ है? आपने सवाल पूछा नहीं पूछा? पूछ लिया ना, मैं जवाब दूंगा। पूछने देंगे तो पूछूंगा। अरे आपने पूछ लिया, आपको गज़वा हिंद का खाक नहीं पता? गज़वा के हिंद का नहीं, ना ना ना, मेरी बात सुनो। नहीं सर, अगर आपको नहीं पता तो आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि एडमिट करें कि भाई मुझे नहीं पता, मैं घर जाके पढ़ लूंगा। अच्छा, मैं लेकिन हिंदुस्तान में भैया, हिंदुस्तान का इंटेलेक्चुअल ये कभी मान ही नहीं सकते कि उसे कुछ पता नहीं है। मेरे सवाल पे तो आइए, मोनोलिथ कैसे? अच्छा, मोनोलिथ है कैसे? मैं हूँ उनके, मैं मुसलमान हूँ और जिन्होंने मुझे मारा वो भी मुसलमान है, मोनोलिथ कैसे हो गए? तो आप तो यही कह रहे हैं। मैं कब कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ ये लड़ाई जो, ना ना, आप ये कह रहे हैं कि अगर एलटीटी वाला होगा या हिंदू जो एक्सट्रीमिस्ट होगा, यमन में उसका असर नहीं होगा? करियो कैसे होगा? आपने क्या कंपैरिजन किया? कंपैरिजन किया कि मुसलमान सब एक जी, पूरा इस्लामिक मूवमेंट जो है वो आपके हिंदुस्तानी सैयद अबुल आला मौदूदी की पैदाइश है और आप लोग उसको बैठ के वेनरेट करते हैं। आपकी, अरे साहब, मौलाना को आप कुछ कह ही नहीं सकते? आपकी बीबीसी, ना सर, मेरी बात क्या बात कर रही? इस्लामिक ब्रदरहुड नहीं था? इस्लामिक ब्रदरहुड का कोई, आर यू किडिंग? मौदूदी किसका था मेंबर? नहीं नहीं नहीं, आप मौलाना मौदूदी वाज नॉट अ मेंबर ऑफ मुस्लिम ब्रदरहुड। मुस्लिम ब्रदरहुड, आई होप दिस इज गोइंग ऑन। मैं कह रहा हूँ मुस्लिम ब्रदरहुड के भी तो कुछ कुछ था नहीं? क्या था मुस्लिम ब्रदरहुड का? कौन था मुस्लिम ब्रदरहुड जो इजिप्ट में था? बन्ना, हसन अल बन्ना और मौदूदी के क्या ताल्लुक थे? सैयद कुतुब कौन था? आप तो स्कॉलर है ना, हम तो जर्नलिस्ट हैं। अरे आप जर्नलिस्ट कहाँ है सर? आप लोग हमाहंगी हो सकती है, लेकिन मेरा सवाल बिल्कुल हमाहंगी नहीं सर, दे आर कनेक्टेड। अच्छा ठीक है, मैं अलकायदा इन इंडिया इज अ मुस्लिम ब्रदरहुड सेटअप बेस्ड ऑन जमात इस्लामीज आइडियोलॉजी, बेस्ड ऑन सैयद कुतुब, बेस्ड ऑन हसन अल बन्ना। एंड इंडिया का प्रॉब्लम ये है कि किसी मौलवी के सामने खड़े होते हुए बड़े लोगों की हवा निकल जाती है, बाप रे बाप, कल के चाकू निकाल दिया, मार दिया, फतवा लगा दिया, तो हम कहाँ जाएंगे? इसीलिए हिंदुस्तान का इंटेलेक्चुअल मुसलमान जो है, माइक जब बंद होता है कुछ और कहता है, माइक ऑन होता है तो कुछ और कहता है। और इसी वक्त भी, इस वक्त भी डर आपको ये है कि हम इस तरह लगे जैसे हमने जो तारिक फतेह को बुला के वो उसकी ऐसी तैसी की। हाँ बिल्कुल, ये मकसद। एक सवाल करना चाह रहे हैं, इकबाल साहब, आप भी कह लीजिए, आप भी आ जाएंगे, नेक मुसलमानों में आपका नाम भी आ जाएगा। ये अपने भरत कुछ सवाल कर रहे, क्यों उनकी जिंदगी खराब कर रहे हो? उन पे फतवा लग जाएगा भैया। धीरज, आपसे पूछना चाहते हैं कि कैंपस भूमि में आपको कोई राजनीतिक बल मिलता है पीछे से? ये मुझे जरा आसान, क्या इसके पीछे कोई सियासी ताकतें रहती हैं? आपके बयानों के पीछे कोई सियासी? मैंने बताया ना, मैं रॉ के लिए, सीआईए, केजीबी और मोसाद के लिए काम करता हूँ और बेतहाशा पैसा मिलता है, मारा मारी चल रहा है। बहुत ही अपने पाठक, हाँ मौसी, उनका बोला अपने सीपीएम और कांग्रेस की मेंबरशिप रिन्यू करा दें, धीरज साहब को कहिए। अच्छा, एक बार उसमें आपने आईएसआई का नाम नहीं लिया? आईएसआई का तो है ही है, आईएसआई का तो आया हूँ मैं। आईएसआई ने तो 50 साल गवर्नमेंट चलाई आपकी सर जी। आप भी बस छोटे छोटे दो सवाल, आरएसएस से जुड़ा एक सवाल था जो राजेश जी ने कर लिया, आप और भी बचा आरएसएस के अलावा जी।
आपके बारे में ये इल्जाम है कि आप लगाए ना मेरे से सीधी बात करो यार, ये उर्दू में बात मत करें, आप सीधा कहें कि आपका इल्जाम है कि आप जो है बदलते वक्त और हालात के हिसाब से अपने स्टैंड बदलते रहते हैं। मसलन आप 2006 तक इसराइल की मुखालफत करते थे जब आपने मुस्लिम कैनेडियन कांग्रेस बनाया। मैं तो हूँ, उसके बाद मैंने अब भी करता हूँ। आप मैं तो इसराइल की आज करके आया हूँ कि पैलेस्टीनियन एरिया से ऑक्यूपेशन खत्म करो, तो सवाल खत्म हो गया ना आपका। नेक्स्ट, ये खत्म हो गया सर, आपकी विकेट गई नहीं, विकेट नहीं गई, आप गूगली फेंक रहे हैं और छक्का मार दिया, सवाल नया बॉल लेके तो ले सवाल, अरे दूसरी बॉल खेलिए। आप सद्दाम हुसैन के एक जमाने में सपोर्टर हुआ करते थे? नहीं था, झूठ बोल रहे हैं आप। मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं बता रहा हूँ आपको, सद्दाम हुसैन का मैं कहाँ से सपोर्ट हुआ, ये तो पूछ के आइए ना अपने राज्यसभा में कांग्रेस के लीडर के, उनके बेटे का नाम सद्दाम हुसैन क्यों है? नहीं नहीं, वो ना ना पूछिए आप, ये सवाल पूछने की हिम्मत है आपकी? आप मुझ में बहुत नहीं है, आपने कभी पूछा? आपने पूछा कभी? आपने पूछा कभी गुलाम नबी आजाद से कि उनके बेटे का नाम सद्दाम हुसैन कैसे हो गया? जी बिल्कुल, मैंने पूछा। आगे बात, आप ये जो है, नहीं आप देखिए, आपकी क्रेडिबिलिटी उसी वक्त खत्म हो गई जब आपने ये झूठ बोला कि मैं सद्दाम हुसैन के फेवर में था। ना, इन्होंने खुद कहा। मैंने जब ये कहा, आप मुझे कोट नहीं कर रहे, आप सद्दाम हुसैन के सपोर्टर रहे हैं? नहीं, आप झूठ कह रहे हैं। अब आप बताने को तैयार नहीं, आप कैसे मानूंगा? आप जो कह दें, इसके बाद शेर सुना दीजिए आप सर। आपके तमाम गुना माफ हो जाएंगे। मैं कोई शायर नहीं। अरे सर यार, कौन नहीं शायर है? अशरफी मुसलमान, अशरफी मुसलमान तो बाकी का मुसलमान। अरे नहीं है, बिहार में भी अशरफी है। एक सवाल जो है, एक बार एक वीडियो आया था, एक बार एक वीडियो जिसमें आपको ये कहते सुना गया कि हिंदुस्तान में जैसे बंगाल है, पंजाब है, ये अलग अलग सूबे हो जाने चाहिए। नहीं नहीं, आप भी गलत बात, अभी चलाइए आप बताइए, नहीं पूरा वीडियो सुनाइए, बीच में काट के बीबीसी नहीं करे। नहीं नहीं, शुरू ना ना, आपके पास क्या मतलब है जो आईएसआई के इंटरनेट पे जो ना सर बोल रहे हैं? नहीं, बात सीधी करें ना, आप मेरी बात सुने, देखिए। अच्छा, क्या कहा ये बता दीजिए आप, आप मुझे बताइए वीडियो आपके पास पूरा कहाँ है या नहीं, ये बताइए। ये वीडियो ना आपके पास की वीडियो है या नहीं है? ये देखिए YouTube ना ना भैया, ये आधा इंसान नहीं हूँ, मेरी टांगे भी हैं, सर भी है। ये वीडियो का शुरू आखिर है नहीं है? ये आप हैं या नहीं है? ये नहीं, नहीं, आपको क्या लग रहा है? नहीं पता नहीं, क्योंकि महात्मा गांधी बैठे हुए, क्या पुराना फोटो है ये? पुराना फोटो क्यों मजाक कर रहे हैं? ये नहीं, आप कहा हिंदुस्तान का ही रह गया कि आप लोग झूठ बोलते नहीं और प्रिटेंड करते हैं? आप बताते हैं कि हिंदू के बारे में हमें बता दी, मैं बता रहा हूँ। दिस इज अ 2 आवर इंटरव्यू टेकन बाय बब्बर खलसा, सप्लाइड टू द ISI, देन कमिंग बैक ओवर हियर टू एन इंडियन रिपोर्टर इन अ 2 मिनट वर्जन। कितना है इसका टाइम बताइए? 1 मिनट 13 सेकंड। आपने 1 घंटे का इंटरव्यू लिया और उसका 1 मिनट 13 सेकंड काट के बीबीसी हिंदी पे चला दिया। इसमें तो आप कह रहे हैं कि टुकड़े, नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ सूबे हो जाए, नहीं कह रहा हूँ सर, बंगाल नहीं, आप पाकिस्तान में खालिस्तान और अलग, आप ऐसे झूठ बोलने चला दीजिए। देखिए आप तो पूछ रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है, कुछ नहीं, एग्जाम नहीं लगा रहे हैं। एक मिनट इसको क्लियर कर लें, एक मिनट, ये टीवी, एक मिनट इसको क्लियर कर लूं, एक मिनट, मैं टीवी की डिबेट नहीं है सर, नहीं नहीं सर, ये हम लोग बहुत ही एहतराम से आपको बुलाया है, एहतराम से आपको बुलाया है सर, एहतराम से नहीं बुलाया। देखिए मेरी बात सुने, ये छोड़ दीजिए कि एहतराम से बुलाया नहीं बुलाया, ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है, उसके बारे में बता दीजिए। मैं आपको बताया कि 2 घंटे का इंटरव्यू है, उसमें क्या कहा आपने हिंदुस्तान का? आप सुनना चाहते हैं तो जहाँ से वीडियो आया उनसे पूछिए कहाँ है पूरा वीडियो, बजाते खुद यहाँ पे मौजूद है, आपसे पूछेंगे। देखिए आप जो आप इल्जाम लगा रहे हैं ना मुझ पे कि मैं हिंदुस्तान, अरे और सर मैं, आपने मुझे 65 साल से बड़ा बेवकूफ समझा हुआ, मैं 1963 से मैं, देखिए 1960, आप ये मानते हैं क्या कि पंजाब पाकिस्तानी पंजाब, हिंदुस्तानी पंजाब एक अलग सूबा हो जाए, बांग्लादेश बंगाल, बिल्कुल खालिस्तान बनाना, मेरी बात सुनिए, तो आप जिसने खालिस्तान बनाना है उसका लाहौर कैपिटल बनाइए, तब मैं खालिस्तान सपोर्ट करूंगा, और खालिस्तान में यहाँ का पंजाब भी हो चाहिए, ननकाना हो, फिर देखते हैं कहाँ जाते हैं बब्बर खलसा, लुधियाना वगैरह भी आपके नजर में होना चाहिए। अरे भाई लाहौर को कैपिटल तो बनाओ पहले, बंगाल में वैसे बांग्लादेश और इट शुड हैव बीन पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, आपने उसको अलग किया ना, आपने बेवकूफी की ना कि बांग्लादेश को आजाद करके कह दिया कि अलग है, आपने टू नेशन थ्योरी प्रूव की ना, मैंने किया, आपकी फौज थी ढाका में या मेरी फौज थी, आपने कह दिया सारे पता नहीं कहां से आ गए इतने लोग, आपने 50 दिन में फौज हटा के 50,000 वॉर क्रिमिनल्स को तोहफा दे दिया पाकिस्तान को, और मुझे आप भाषण सुनाने के मैं इंडिया तोड़ने चला हूं,
सर जाने ये किसी ने नहीं कहा। अरे छोड़िए सर, आप ही का वीडियो दिखा। अरे मेरा वीडियो नहीं देखिए ना ना आप एक लेट मी क्लियर वीडियो का एक हिस्सा नहीं। आप ये एडमिट करें कि दो घंटे के अंदर से आपने एक मिनट तेरह सेकंड काट के मुझे ट्रैप करने की कोशिश नहीं। आप आपने इतना बड़ा झूठ बोल दिया। आप तो सबको झूठ बोलेंगे इसलिए वो कोई बात नहीं है। नहीं नहीं मैं चलता हूँ। आई कांट टॉक। क्रेडिबिलिटी मुस्कुरा के ऐसी बात मत करें क्योंकि मैं पूरा सीखा हुआ मैंने कि हाउ पीपल लाई विद अ स्माइल। ये तो मुझे पता है। अच्छा। तो मैं भी कल पैदा नहीं हुआ हूँ। आपको भी पता है हमारे यहाँ जहाँ हम पंजाब से आते हैं जो हमारी शक्ल होती है वैसे ही हमारी बयान होता है। ये हमें घूम घुमैया जलेबियों वाले आर्गुमेंट की जरा सीधा सा आदत नहीं है। सीधा सा अच्छा नहीं है। जी हमारी कॉलीग है वो आपसे जी मैं जानना चाह रही थी। बहुत धर्म पे बात हो रही है तो पाकिस्तान में औरतों के का जो दर्जा है और जो भारत में मुसलमान औरतों की मैं बात कर रही हूँ औरतों का दर्जा है उसमें आप क्या फर्क देखते हैं? पाकिस्तान में और मुसलमान औरतों का दर्जा हिंदुस्तान की मुसलमान औरतों के दर्जे से बहुत ज्यादा है। अच्छा हाँ पाकिस्तान में ज्यादा है। बिल्कुल ज्यादा है। आपके यहाँ जो मुसलमान की औरतें हैं उनका हैदराबाद यूपी बिहार में दर्जा बहुत कम है। जो औरतें तमिलनाडु में हैं और केरला में हैं उनका दर्जा पाकिस्तान से ज्यादा है। अगर जो भी आपको ये बात कहे कि हिंदुस्तान मुसलमान एक कोई मोनोलिथिक आइडेंटिटी है ही इज लिविंग इन अ ड्रीम वर्ल्ड। मणिपुर की मुसलमान औरत इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम मुस्लिम वुमेन इन यूपी। यूपी में हिंदू औरत भी हिंदी औरत हाँ। तमाम औरतें ये जो आपकी हिंदी बेल्ट है यहाँ औरतों का कब्रिस्तान बनाया हुआ है लोगों ने उनको ट्रीट किया जाता है एज ए प्रोडक्ट। पाकिस्तान में क्योंकि पश्तूनों में और बलोचों में और सिंधियों में ये और पंजाब में भी ना वर्किंग क्लास इतनी कमज़ोर है जितनी आपके हैं और जहां फीमेल क्लास एग्रीकल्चरल सोसाइटीज है माउंटेनियस टेरिटरी। हमारे यहां बलोचिस्तान में तो मेन गुरिला फाइटर्स हैं वो लड़कियां हैं जो आज़ादी की जंग लड़नी जो यहां तो हैरान हूं कि हिंदुस्तान के मुसलमान जो हैं सिवाय फिलिस्तीन के और की बात ही नहीं करते उनके करीब में जेनोसाइड हो रहा है वहां को बात नहीं करता। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बांग्लादेश में जब जेनोसाइड हुआ तो आपके फखरुद्दीन अली अहमद से लेकर यूपी और बिहार के तमाम मुसलमानों ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। मुक्ति वाहिनी में एक इंडियन मुसलमान वॉलंटियर नहीं था ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो उसमें जहां औरतों की बात आती है मर्दों में भी उसी वक्त दानिश्वरी आएगी सोच आएगी कैरेक्टर आएगा जब उनकी माएं स्टेबल हैं। जब आपने औरतों को बुरकों में बंद कर दिया ना विटामिन डी और ना अकल शऊर उनमें आएगा। 15 साल की बच्चियों से शादियां करा के बच्चे पैदा कर रहे हैं आप 17 साल की उम्र में तमाम जिंदगी एक औरत की बच्चे जन्म देने में लग गई। और फिर वो औरतों की हॉटलाइन जो आपने कल खबर देखी कि और मुसलमान औरतों की एक्सक्लूसिव हॉटलाइन में 80% फोन कॉल मर्द के आते हैं। क्यों मुसलमान औरत तो टेलीफोन करने का हक नहीं रखती। तो क्या हिंदू औरतों का दर्जा आपको लगता है बेहतर है यहाँ पर भारत में? अगेन करता मैं जब भी मोटरसाइकिल पे लड़कियां देखता हूँ हिंदू लड़कियां तो मैं तो हैरान हो जाता हूँ। मैंने तो हरियाणा में देखा है मैंने आपके मुंबई में देखा है दिल्ली में देखा मोटरसाइकिलें चलाती हुई साइकिलें चलाती हुई सोच भी नहीं सकते आप पाकिस्तान में कि यहाँ तो बुरका चला के बुरका पहन के भी कारें चला रहे हैं कुछ बुरका चला रही हैं तो उनको अरेस्ट करना चाहिए। एनीबॉडी हाइडिंग देयर फेस शुड बी अरेस्टेड व्हाइल ड्राइविंग। ड्राइवर्स लाइसेंस किस वजह से हुआ? क्या आपने कहा साहब मैं बैंक चोरी करूंगा उसामा बिन लादेन की तरह बुरका पहन के भाग जाऊंगा मुल्ला उमर की तरह कत्ल करूंगा बुरका पहन के? बुरका और इस्लाम का क्या ताल्लुक आ गया? एक बात बताएं कि यहाँ पे बहुत यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात या सारी पर्सनल लॉज को एक सार बनाने की बात जो की जा रही है आपको लगता है उससे मुसलमान औरतों को फायदा होगा? Absolutely. और वो लाया जाना चाहिए? वो मुसलमान औरतें नहीं कह रही कि लाना चाहिए नहीं वो तो कह रही है नहीं उस पर कोई सहमति नहीं है। नहीं नहीं उनकी सुनता कौन है? आपने जो राजीव गांधी साहब ने ग्रेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और उनकी आजकल फैमिली चाहती है ना कि उनको मुगलों की तरह उनको बादशाह बनाया जाए उन्होंने क्या किया एक औरत के लिए? कितना 300 रुपए महीने का था क्या था? शाबानों केस का अब शहबानों का केस शाबानों का था अब है लोगों की गर्दनें झुकी भी होनी चाहिए इस मुल्क में जो बैठ के मौलवियों के पीछे लगे हुए हैं कि वोट मिल जाए हमें किसी तरह। औरत को कौन पूछता है? तो वैसे बुरके में पड़ी आप देखिएगा यूपी में इलेक्शन के अंदर नतीजे कैसे आएंगे जो बुरके वाली औरतें क्या कह रही हैं।
तारिक साहब 70 साल होने जा रहे हैं पाकिस्तान बना, भारत आज़ाद हुआ, 70 साल का जो अरसा है बहुत बड़ा अरसा। फिर 30 लाख लोग मरे 1971 में, तो जिन लोगों ने बनाया आपके ख्याल से वो अब भी यहाँ मौजूद है, उनको सोच मौजूद है? एक सवाल मेरा है, मेरा ये सवाल है कि आप सलमान जी, रवि हैं जी, मैं ये आपसे जानना चाह रहा था कि जाहिर सी बात है कि सबकी उत्सुकता होगी, सबकी ये अदर से वो होगी कि साहब इतनी गालियां सुनने के बाद, इतनी क्रिटिसिज्म सुनने के बाद वो कैसे आप बैलेंस स्ट्राइक करके रहते हैं? आपको लगता है कि आप कहीं जाएंगे कभी हमला हो जाएगा आपके ऊपर, क्योंकि जिस तरह से ट्विटर पे सोशल मीडिया पे ट्रोल होता है, लोग जो है गालियां बकते हैं? मैं भी मुसलमान हूँ, बाकी लोग मुसलमान हूँ, मैं भी हूँ, मेरी भी लिखी हुई मौत, मौत का एक दिन बताइए ना भी मौत का नहीं, मैं ये पूछा था कि उसके बीच में कैसे आप मैनेज करते हैं इतने क्रिटिसिज्म और इतना जो है ट्रोलिंग और इतना लोग जो है आपके उसमें। सर 1963 से मैं कर रहा हूँ, मैं फिर वही बात करूंगा, अगर आपको नहीं पता कि 1965 के वॉर के अंदर देयर वर पीपल हु सपोर्टेड इंडिया इन पाकिस्तान, या मेरे जैसे सर फिरे मुक्ति वाहिनी के मेंबर थे बजाय पंजाबी मुसलमान पाकिस्तानी होने के बावजूद, तो ये मेरा कसूर है कि आपको नहीं पता, या आप लोगों के आप समझते हैं कि पार्टीशन हो गया तो अब कुरुक्षेत्र और लाहौर और महाभारत अब हम निकालेंगे कर्णफुली रिवर से? आपने तो बड़ा आसानी से स्विच इधर से ऑफ किया, बोला सिंधु दरिया था ही नहीं, और अब हमने कह दिया गंगा जमुना है, यहां से हिंदुज्म आया था, और जहां पैदा हुआ था जो राम का बेटे का शहर लव था और केश था, वहां एक हिंदू नहीं रहता कसूर और लाहौर में? और यहां लोगों ने कहा अच्छा तो नहीं यार, दुकान तो चल रही है अपनी, चलने दो, कुछ हमारे जैसे सर फिरे, पंजाब का मिजाज और होता, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो या मुसलमान हो, हमारे यहाँ ये जलेबी वाली बात नहीं होती, हम स्ट्रेट बात करते हैं और इसमें सच टू द पॉइंट। इसीलिए पंजाब में पंजाबी मुसलमानों ने मुक्ति वाहिनी की मदद की, इवन दो कि वो उनस पे इल्जाम लगा, वो जेलों में गए कि देवर ट्रेडर्स गए, लेकिन बंगाली मुसलमानों को हमने पनाह दी, बलूचिस्तान के अंदर उनको लोगों ने जगह दी और कहा कि तुम और हम एक हैं, क्योंकि हम पे पार्टीशन नाफिज किया मोहम्मद अली जिन्ना और अवध के नवाबों ने। एक सवाल और है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो आपको कैसे लगते हैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर? आप इतने दिनों से यहाँ हैं, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी स्पीचेस और देखिए एज अ लीडर, एज अ प्राइम मिनिस्टर, मतलब मैं इलेक्शन में उनको वोट तो नहीं देता, बट ही इज द इंडियन प्राइम मिनिस्टर। कुछ उनकी स्ट्रेंथ्स हैं, कुछ वीकनेस है, उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि वो दिल्ली की इलीट को बहुत चिढ़ाते हैं, और उनको आज तक किसी ने जो आपकी जो जो वाइन ड्रिंकिंग और सिगार स्मोकिंग जो अपर क्लास इंग्लिश इलीट है उसने एक्सेप्ट नहीं किया, वो अब तार कहते हैं ये चाय वाला। उसमें ये जो मिलीनियर मार्क्सिस्ट है इंडिया के आजकल के, आजकल तो यहाँ कम्युनिस्ट भी होता ही नहीं जो गरीब हो, वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि आम आदमी कहाँ से आ गया है, ये इसकी हैसियत क्या है। वही केजरीवाल के साथ भी थोड़ा अरसे के लिए था, फिर वो बड़े हो गए, तो कभी मुलाकात हुई आपकी केजरीवाल साहब? नहीं, वन टू वन ऐसे नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब से तो नहीं हुई है, बट मिलना चाहेंगे आप? कोई उससे फर्क, बहुत लोग मिलते हैं, किसी को याद भी नहीं रहता कौन किससे मिलता है, That's not the issue. ठीक है तारिक साहब, आपसे आखिरी सवाल। बिल्कुल, जरूर जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। आप जब मैं नीचे आपको लेने गया उसी वक्त आपके बहुत सारे जो शहदाई हैं, चाहने वाले हैं, वो आपसे गले मिल रहे हैं। जी जी जी। ऊपर में भी दो लोग मिले, और हम जानते हैं कि आप यहाँ पे काफी पिछले कुछ सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, बहुत पॉपुलर हैं, बहुत लोग आपको आपके प्रशंसक हैं। मेरा एक सवाल, जब मैं घर से चला तो किसी दोस्त ने कहा कि तारिक साहब से यही सवाल कर लेना कि क्या अगर आप का नाम ताराचंद होता तो यहाँ रहते और इस तरह से हिंदुओं के खिलाफ या हिंदुत्व के खिलाफ बोलते तो आपको इस सरजमीन पर, इस मुल्क में आप इस तरह से रह सकते थे जैसे भी रहे? अगर हिंदुओं ने बंटवारा किया होता तो मैं हिंदुओं को कहता, अगर हिंदुओं ने वो हशर किया होता जो 30 लाख मेरे बंगाली भाइयों को मारा होता तो आज मैं उनके खिलाफ होता। मुझे तो नहीं मिला, मुझे तो मानेकशॉ और जनरल अरोड़ा जैसे हीरोज को मैं मानता हूँ, चाहे इंदिरा गांधी थी उससे बड़ी मैं समझता हूँ शास्त्री जी, और इंदिरा गांधी जैसे प्राइम मिनिस्टर इंडिया को बार बार मिले जिन्होंने खड़े होकर पूरी दुनिया को कहा टू हेल विथ यू। देखिए ना, एक आपको एसेंस चाहिए कि इस सरजमीन से, हिंदुस्तान से पीपल ऑफ कैरेक्टर कम आओ, हजार ऊपर नीचे आप जो भी देख लीजिए पॉलिटिक्स असाइड, यहाँ जो हिस्ट्री है वो है ट्रूथ,
और आपका मोटो है कि ट्रूथ शेड ऑलवेज आइज, हिंदी में मैं सही ना बोल रहा हूँ, वो एसेंस है इस सरजमीन का, सत्य में जयत जी, वो आपकी बुनियाद है। पाकिस्तान की बुनियाद है हिंदू हेट्रेड पे, पाकिस्तान की बुनियाद है, और आपकी मासूमियत ये है कि वो शख्स ने हिंदुस्तान को गाली दी, आप उसका तराना पढ़ते हैं हर जगह, इकबाल। तो इकबाल की चोरी पे और जिना की बिट्रेल ऑफ बॉम्बे, जिसे मैं कहूंगा कि बॉम्बे से 26 साल एमपी हों और बॉम्बे के बजाय वो बात कर रहे हों कराची, कराची की, ये गद्दारी होती है, एथिकल और मॉरल गद्दारी। हिंदुस्तान या हिंदू बाकी है तो बीबीसी हिंदी से जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।